फारू कुछ बता रही है और आगे ले लूं। Hey guys, what's up? आज हमारा पुणे का फर्स्ट वीक है और फर्स्ट वीक में हम लोग जा रहे हैं डीमार्ट। और आरू देखो किसमें जुटी हुई है, आरू शिल्पा शेट्टी को देख रही है कि उसकी तरह कैसे मैं और स्लिम ट्रिम बन जाऊं, है ना आरू? है ना? हाँ, तुम अभी इतनी स्लिम हो, कम हो क्या? अभी हो जाऊंगी तो उसके लिए देख रही हूँ। अच्छा, ताकि ना नेक्स्ट शादी जब गांव में पड़ेगी ना तो और अच्छे अच्छे मूव्स कर पाएगी। बोलती ना मेरे से मूव्स ही नहीं हो पाते शादी में, डांस करती डीजे पे, यूपी वाले डांस बहुत सारे थे, बस बैठे से मूव्स ही नहीं बन पा रहे। बोलती अरे मैं मूव्स ही नहीं कर पा रही, मूव्स ही नहीं कर पा रही हूँ, ऐसे स्टेप्स नहीं कर पा रही हूँ, देखो कैसे ये। और सिद्धि का देखो मेरे साथ पीछे पीछे लगी है मेरे एकदम। मैं ना घर का इंजन हूँ, मैं ही चलूंगा, मेरे पीछे तो बोगियाँ चलती है ऐसे ऐसे पीछे पीछे। ये देखो अरे देखो हाँ, ब्लॉक दिन का हमारा एक लगा हुआ है रेंडर के लिए, बहुत टाइम लग जाता है रेंडर के लिए। हाँ, आपने थैला लिया? हाँ? थैला ले लिया? थैला ना, थैली। हाँ, थैला नहीं, थैली तो लेके आओ, थैली। हाँ, लिया, ले लिया? आ, मैं। हाँ, कभी कभी बिना चप्पल के भी चला करो। अरे तुम चलो, तुमको ज्यादा जरूरत है। सब कुछ मुझे ही जरूरत है, डाउन जाना है हमें, आ जाओ। इतना कड़ा धूप है ना। हाँ बेटा, हाँ ओपन करो। आरू वहाँ छुप के खड़ी हुई है, धूप में निकला ना कलो रूप की रानी, काला रंग कहीं सावला ना पड़ जाए। देखते शर्मा जाती है एकदम भाई साहब। हाँ काला सावला, ये हमारे यहाँ का सबसे मस्त सिग्नल है। गाना लगा दिया मैंने एकदम फेवरेट वाला अपना, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। पुणे, पुणे में आ गए हम लोग, पुणे की ट्रैफिक एंजॉय कर रहे हैं अभी। फारू कुछ बता रही है और आगे ले लूं। फारू है ना मेरी ना गाड़ी बताती रहती है, ऐसे लगाओ वैसे लगाओ, यहाँ लगाओ वहाँ लगाओ, थोड़ा आगे कर लो थोड़ा पीछे कर लो, मस्ती नहीं करना है, हर काम डिसिप्लिन में करना है। झोला पकड़ बदमाशी, जगत झोला पकड़ लो, पूरी जगत की तो चीजें भर लेना इसमें आज। आप क्या करो सिद्धि? ये चावल है। अच्छा चावल खेल रहे हो? अच्छा कौन सा चावल है ये? दाल चावल बनाते हैं मीठा। अच्छा 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 अच्छा, दाल चावल बनाते हैं, दाल चावल वो पसंद है। चावल महोत्सव लगा हुआ है, कितने सारे चावल है, चावल ही चावल है, सिद्धि चावल के साथ खेल भी रही है। ये चावल लेके आ रही है जो 81 रुपीस केजी है। कौन सा चावल है आरू? पढ़ो ना, अंबे मोहर। अंबे मोहर चावल है ये, 81 रुपीस केजी है, बहुत मस्त दिख रहा है। हमें ना गांव में खाया था एक बार, लग रहा है वैसे ही है ये ना, आरू के पापा ने एक बार लेके आया था ये चावल, वैसे ही लग रहा है, इसलिए आरू ने बोला चलो ले लेते हैं ना। आरू हो गया ना सब? हाँ हो गया सब सामान, चलो हमारा ट्रॉली हो गया फुल, सिद्धि का बलून भी हो गया है। चलो सिद्धि रख दो बलून अपना, चलो चलो चलो, ये बिलिंग नहीं होएगा, रख दो इसको, इसको भी टेस्ट करा, मुझे भी टेस्ट करवा दो यार, थोड़ा थोड़ा ला, मुझे भी टेस्ट करवा दो। एक साथ बैठ नहीं पा रहा, दोनों लेके बैठ गए, देखो दोनों लेके बैठ गए, अजी मसाल लिए मसाल दिखा रहे, ए, ए, मेरा भी ले लिया, दे दे ये दिखा दे टेस्ट करा के, तोड़ दूंगा मैं अभी, तोड़ दूंगा। भाई साहब आज हम लोग निकले ना बाहर तो बस खा ही रहे, शॉपिंग भी कर रहे हैं, खूब मजे कर रहे हैं, मतलब ये देखो हाथ धुल रहे हैं और अभी आ गए पानी पूरी के ठेले पे, संतोष भाई के ठेले पे आ गए हैं। अरे वाह, दही पूरी भी बना रहे भैया, अरे वाह, बर्फ तो तैर रही है इसमें एकदम पानी में, ठीक है पूरी दही पूरी सेव पूरी। अच्छा सब बनाओगे? अच्छा सब लगाने वाले हैं, सब लगाने वाले, समोसा चाट ले सब ले। हाँ ये चीज़ अच्छा है, हाँ कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड सब बराबर हो रहा है मेरा, काम हुई है। सिद्धि देखो, अरे चलो आज खा लो एक, फिर एक हफ्ते बाद खाएंगे। अभी हम लोग आ गए हैं वाटरमेलन की खेती में, आरू बोल रही एकदम गोल गोल एकदम टमाटर जैसा एकदम। कितना महंगा है ये वाला, कितना 60 है 70 है 80 120 है। वाटरमेलन ले लो, वाटरमेलन ले लो, अलग अलग वैरायटी का, एकदम लाल और मीठा बताया जा रहा है हम लोग। आरू कितना किलो का होगा? 3 किलो से कम नहीं होगा। चलो वैसे भी मेरा फास्ट है, काम आ जाएगा खाने के लिए, काफी
परसों है। परसों कहाँ? मंडे है। हाँ मंडे के बाद ट्यूसडे आता है। कोई बात नहीं, दो दिन बाद। चलो ले लो ले लो काकू, ये दे देना एक। इतनी बड़ी दुकान है वाटरमेलन की यहाँ पर, कहाँ बढ़िया है ना। ये 120 वाला है सामने, 120 वाला है, वो 80 वाला है। वाटरमेलन लिया ना हमने, ये केजी के हिसाब से नहीं दे रहे लोग यहाँ पे ना, इसको पीस के हिसाब से दे रहे हैं कि ये इतना, ये पीस वाला 80 रुपए का है, 60 रुपए का है, 60 है, 80 है, 100 है, 120 है, चार रेट का है, और सब पीस के हिसाब से, केजी के हिसाब से नहीं है। और रिलायंस वगैरह में जाओगे ना तो वहाँ 20 रुपए किलो के हिसाब से दे रहे हैं लोग, लेकिन ये कह रहे हैं कि गोल गोल है तो ये इसमें इंजेक्शन इंजेक्शन नहीं मारा है, प्योर ऑर्गेनिक है। क्या पता इतना सारा लेके आते हैं, कौन सा बिना चक्सन के रहता होगा, क्या पता क्या नहीं। आजकल कुछ भी ओरिजिनल नहीं रह गया। हाँ। रावेत भी लिखा है, रावेत भी ओरिजिनल नहीं रह गया है। चलो चलो, गर्मी हो जाती है, कारण थोड़ा मिनट बैठा ना, गर्मी लगने लगती है। गर्मी लगती है, हम लोग छोड़ के गए थे तो हमारे वॉचमैन आकर पूरा पानी दे दिए इसको। हाँ। वो पेड़ पे लगा है, तो एक्चुअली ना ये जो जितने पेड़ है ना सब हमने ना घर के बाहर रख गया था। सिद्धि बहुत बोलती है। हाँ बोलो बोलो। ट्रेन आ रहा है, जाओ ट्रेन में बैठ जाओ, तुम बैठ के नानी के यहाँ पहुँच जाओ अपने, जाओ ठीक है। और तुम्हारा एग्जाम चालू हो रहा है, स्टडीज चालू करो अपनी। हमने डीमार्ट वीमार्ट से बहुत सारा मर्सिडीज भी खरीद लिया, मर्सिडीज खरीद लिया हमने। क्या बोले? ग्रोसरीज खरीद लिया मैंने बहुत सारी, सुनाई दिया। अच्छी बात है, मर्सिडीज से कान घूमना चाहिए। होली की पिचकारी कलर सब आ गया अभी से ही, वो भी लिया, इको फ्रेंडली कलर लिया एकदम। डीमार्ट वाले ने ना बहुत मोटा मोटा पन्नी बनाने लगे, भाई लोग कम से कम थोड़ा पतला पन्नी बनाओ, क्योंकि हमारी धर्म पत्नी जी को थोड़ा तकलीफ ना हो, इतना मोटा पन्नी दे दिया उसको तो तकलीफ होने लगा है। हाँ तो बोलो ना कैसे गलेगी है, इतना मोटा थैली है, पहले पेपर का था, चलो ठीक है। अरे गलती नहीं है, ये रिसाइकल हो जाएगी, ये 15 रुपए किलो के हिसाब से ले लेते हैं लोग, अगर बेचोगी तो समझी। तो इकट्ठा कर लो ना, बहुत पॉलिसी निकलता है। हाँ तो वही बेचते हैं, यही धंधा चालू कर देते हैं। हाँ ये नया बिजनेस शुरू कर दो। तो आजकल है ना पन्नी है ना यहाँ फेंकना नहीं है कहीं पे, आपको अगर हो सके तो उसको आप बेच भी सकते, लेकिन बेचने वाली दुकान कहाँ है पता नहीं है हमें भी। अगर आपको पता हो तो हमारे इस ब्लॉग में कमेंट करके बता देना, हम लोग भी जाए वहाँ पर बेच के आ जाए। ये गिरा दी ना फूट फट जाएगा, तू लाल टमाटर जैसा फूट जाएगा, समझ में आएगा। जब मैं ब्लॉग में बोलने लगता हूँ ना, सिद्धि पीछे पीछे ना कुछ बोलती है, और जब मैं बोलता हूँ कैमरे में बोलो तो एम 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 करती है। ऊपर कहते हैं शेक मम्मी। बहुत सारे काम बाकी है, नहीं हो नहीं रहे मेरे, मेरे को इतना नींद आ रहा है कि आप बताऊँ। ऑफिस का ना दो काम पेंडिंग है और करने में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मुझे करने का मन नहीं कर रहा है। आप सोच रहे हो तो कल सुबह ही करूं। हम ऐसे लोग हैं ना कि कोई भी काम है ना लास्ट डे पे ही करना पसंद करते हैं, तो अब लग रहा है कल लास्ट डे और कल ही करूंगा मैं। ठीक करी ना, इसको इंजेक्शन बना दिए पिचकारी को, जब से लाई तब से देखो ना इंजेक्शन ही लगा रही है, दो तीन जगह लगा दी, पापा इंजेक्शन लगा देते, पापा इंजेक्शन लगा देते। पिचकारी ना मेरी होली तक चलने वाली नहीं है, मुझे ऐसा लगा है। और ऊपर लगा दो भाई, तुम मन की तमन्ना पूरी कर लो इंजेक्शन लगा के। हाँ बदमाशी किया जा रही है, छुपा दे अभी। हाँ छुप गया, छुपा दिया हमने पिचकारी फिर फाइनली हमने। हाँ ढूंढो ढूंढ दो, अब तुम ढूंढते रहो, ऐसे ही मिलेगा ही नहीं तुम्हें पिचकारी, मम्मी ने ऐसी जगह छुपा दिया है। हमने आने के बाद ना भाई यही दाल चावल रोटी भाजी वाली जिंदगी शुरू हो गई है। दाल रखा है यहाँ पर, और आरुण ने नहीं तो चावल भी बना के रखा है, तो ये क्या चावल भी है, तो बस यही दाल चावल वाली जिंदगी चालू हो गई है। आवाज देखो, वो देखो पराठा चालू है, ना अभी तक शादी का खुमार से सर से उतरा नहीं है। मतलब ये बोलना चाहता था कि मतलब यही रूटीन लाइफ हो जाती है ना यहाँ आने के बाद, इतना मिर्ची लगता है ना लड़कियों, कुछ उनके बारे में बोल दो, क्या ही बताऊँ उनके बारे में। देखो डांस देखने में जुटी हुई है एकदम, क्या मजा आई, बहुत अच्छी हमने शादी इंजॉय किया यार, बहुत मजा आया, बहुत मतलब बहुत फंटास्टिक, बहुत मजा किया हमने। इतने इतने प्रकार के गाने सुने ना हमने, क्या बताऊँ। हाँ सुने नहीं थे वहाँ पे, देखो बम बम चल रहा है मेरा वहाँ पे, बम बम चल ये देखो कर रही है।
मतलब नींद आने के बाद भी सब ना जुटे हुए थे साथ ही में ना, इतना मजा आया भाई। आपने जब इस ब्लॉग देखा रहेगा, हम तो उस ब्लॉग को बनाने के बाद अभी ना कम से कम 5-6-7 बार देख चुके, इतना मतलब अच्छा लग रहा है हमें। और इस ब्लॉग को भी प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। खाना फिनिश करते हैं, थाली तो लग चुकी है, अब आलू का मैं वेट कर रहा हूँ कि ब्लॉग से उसका पेट भरे। भाई साहब बम बम ये गाना 2 घंटे तक ढूंढे, 2 घंटे के बाद ये गाना मिला इनको कि कौन सा गाना है, बम बम मस्त वाला बम बम।